इस टाइम पर सभी नीट एस्पिरेंट्स दो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। दोनों प्रॉब्लम्स आपके संडे से रिलेटेड हैं। जैसे कि संडे आपके लिए आफत का दिन होता है, टेस्ट देना पड़ता है, वैसे ही दोनों प्रॉब्लम संडे से ही रिलेटेड हैं। यही है जो आपके लिए आफत बनाती है संडे को। तो फर्स्ट ये कि आप लोग जब भी टेस्ट देकर आते हैं और एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आपको या तो नहीं आए हुए हैं या फिर आपने गलत कर दिए। और जब आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में उसे डिस्कस कर रहे होते हैं, तो वो आपको ये बताता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फेमस क्वेश्चन है, ये तूने कैसे स्किप कर दिया। ये सुन के होश उड़ जाते हैं कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ा, इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन हमने कैसे स्किप कर दिया। दूसरी बात कि संडे के बाद में हम लोग ने एनालिसिस जैसे तैसे कर लिया दुखी मन से, और इतने जो हमारी गलतियां हो जाती हैं उनसे हम फ्रस्ट्रेट होकर बैठ जाते हैं। या तो हमारा चिल आउट करने का मन करता है या फिर हम लोग का पढ़ने का ओवरऑल मन नहीं करता, हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हाफ डे जो आपका संडे का बचता है टेस्ट के बाद का, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़कर उसे प्रोडक्टिव बना सकते हैं, बट हम लोग बना नहीं पाते हैं क्योंकि संडे के बाद का जो हम लोग का फ्रस्ट्रेशन होता है वो नेक्स्ट लेवल होता है। तो हम लोग को संडे को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है, और दूसरी बात जो टेस्ट में हमारे जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें हमें कैसे कवर करके याद रखना है कि ये इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों प्रॉब्लम्स को हम लोग कंपाइल करके इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं कि एवरी संडे हम लोग टेस्ट के बाद एक कोई टॉपिक ऐसा जो कि NTA का फेवरेट है, जो कि हर साल उसमें से क्वेश्चन दे रहा है, उसे कवर कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनानी पड़ेगी, क्या हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ढूंढना पड़ेगा, लेक्चर निकालने पड़ेंगे उसके बाद में उसे करना पड़ेगा, उतनी तो हिम्मत नहीं होती टेस्ट के बाद में। तो इसके लिए मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर रही हूँ, NTA's फेवरेट टॉपिक की सीरीज़। इसमें एवरी संडे आपको एक टॉपिक का एक लेक्चर मिलेगा, जिसमें कि आप लोग के जो NTA का फेवरेट टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है, वो आपको लेक्चर मिलेगा। उसमें आपका कंप्लीट लेक्चर होगा, टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। कुछ हम लोग क्वेश्चंस भी ट्राई करेंगे उसमें करने का। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 10-15 मिनट का लेक्चर होगा मैक्स टू मैक्स। आपको क्या करना है, लेक्चर को देखना है, उसके बाद में DPPs या फिर PYQs सॉल्व करने हैं, NCERT पढ़ के रखनी है, और अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो उसके नोट्स बना के रख लेने। मैक्स टू मैक्स एक घंटे में आप उसको अच्छे से कवर कर लेंगे, टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सीरीज़ के ऑनगोइंग आप लोग हर संडे को अपने मिनिमम फोर मार्क्स आप लोग अपने नीट के फाइनल रिजल्ट में ऐड करते जा रहे होंगे। स्मार्ट स्टडीज़ से आप लोग अपने रिजल्ट को, मैं स्पेशली अगर बायो की बात करूँ तो 360 आउट ऑफ 360 लाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, अगर आप लोग पूरे सिलेबस के साथ में एक जो कोर टॉपिक्स हैं उनको अलग से कवर करते जा रहे होंगे। तो आप लोग इन्हें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट संडे से हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपको जो टॉपिक है उसी संडे को क्लियर करना है, पेंडिंग में नहीं छोड़ना है। संडे भी आपका प्रोडक्टिव हो जाएगा, आपके दोनों प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी हो जाएगा, और आपके जो रिज़ल्ट है वो भी एक पीक लेवल पर बढ़ जाएगा।